Hey दोस्तों, I'm Brijesh Pasi. Welcome back to my YouTube channel. Subscribe our channel like this and press the bell icon for future updates. Hey दोस्तों, मैं Brijesh Pasi आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल में. फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ वो जॉब से रिलेटेड है. और मैं सबको हैप्पीली बताना चाहता हूँ कि जो कुवैत जॉब का रिजल्ट है वो हमारे पास आ चुका है दोस्तों. फाइनली उसके कुछ प्रूफ्स हैं जो मैं आपको शो करने वाला हूँ कि हमने वो काम किया है वो जेन्युइन था कि नहीं था, वो साबित करने के लिए आप लोगों के सामने मैं ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों. फाइनली इसमें जो जानकारी मैं देने वाला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, हमें मेल आया कंपनी से, हमने वीज़ा और टिकट अभी तक पाया नहीं है क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी तक वीज़ा और टिकट में प्रोवाइड नहीं हुआ है, सभी बंदों को अभी तक दिया नहीं गया. और हमारे एजेंसी से जो 57 फॉर्म्स गए थे एजेंसी को, उनका टोटल 9 लोगों का सिलेक्शन हुआ है जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिक्टेट किया दोस्तों. तो पहला आपको स्क्रीन पे इस वक्त साफ साफ मैं शो कर रहा हूँ दोस्तों के, साफ साफ आप देख सकते हैं जो मेल आया है उसका स्टार्टिंग का लेटर शो कर रहा हूँ. मैं मेल को 2 पार्ट्स में कट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि दूसरा पार्ट आप देख सकते हैं वहाँ पे जो लिखा हुआ, आप पॉज करके सिंपली पढ़ सकते हैं क्या डिटेल उन्होंने हमें लिख के दिया. और सिंपली और दूसरे पार्ट में 9 लोगों का जो नाम है दोस्तों, आप साफ साफ देख सकते हैं उनका सीरियल नंबर दिया हुआ, सिलेक्शन सीरियल नंबर प्लस उनका नाम, उस नाम के नीचे जस्ट आप देख सकते हैं पासपोर्ट नंबर दिया हुआ उनका. और आगे आप देख सकते हैं सिंपली वहां पे भी मैंने डिक्टेट किया है कि नाम के साथ साथ उनका जो पोजीशन है, जिस जॉब के लिए वो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो पोजीशन पोस्ट, जॉब का पोस्ट टाइटल वहाँ पे लिखा हुआ है सिंपली. तो आपको ओवरऑल मैं बता दूँ दोस्तों कि सिंपली ये कोई वैलिड प्रूफ नहीं लग रहा है मुझे भी इतना खास, मतलब मैं हेजिटेट हो रहा था आप लोगों को बताने के लिए कि ये थोड़ा सा लीगल टाइप का प्रूफ नहीं लग रहा, क्योंकि ये तो मैं भी टाइप करके दे या कोई बंदा और भी जिसे ऐसा प्रूफ करना चाहता तो मेल टाइप करके एक दूसरे को सेंड करके साबित कर सकते हैं. लेकिन इससे कुछ प्रूफ नहीं हो रहा है कि मैंने सच में जॉब दिलाई है कि नहीं दिलाई है. तो भी वहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने नाम दिया है, पासपोर्ट नंबर दिया है, बंदे की पोस्ट दिया है. तो और उनका मैं सोच रहा था कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूँ ताकि आप पर्सनली कॉल करके उन सभी से पूछ सको कि हाँ सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है. तो फाइनली बता दूँ, ये 9 लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर मैं डालने ही वाला था लेकिन अली सर और बोस सर ने मुझे मना किया कि सर ये प्रोफेशनली थोड़ा सा इलीगल लग रहा है क्योंकि अगर आप नंबर डालते हो तो थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है. तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था डालना चाहिए लेकिन फाइनली एक प्रोफेशनल वे से जाने की वजह से हम नहीं डाल रहे. और नेक्स्ट हम बता देते हैं कि एक वैलिड प्रूफ हमारे पास जो है कि टोटल आपको पता है कुवैत का जो 800 फ्री जॉब था उसमें 800 लोगों का सिलेक्शन का डील हुआ था, डिमांड आया था और फाइनली उसमें 777 लोगों का सिलेक्शन हुआ है जिनका एयर टिकट का पूरा सारा वहां पे बंदोबस्त किया गया है. तो मुंबई से फ्लाइट है 28 तारीख अक्टूबर महीना 2017 मुंबई से उनकी फ्लाइट है. तो फाइनली आप देख सकते हैं उसको भी मैं स्क्रीन पे आपके सामने शो कर रहा हूँ और उनका जो कुवैत का सारा चीजें वहाँ पे मटेरियल लिखा हुआ है. तो फाइनली ये मुझे थोड़ा बहुत लीगल सा लग रहा है. तो आप लोग जनरली फील कर सकते हो कि ये पॉइंट लीगल लग रहा है और मेल वाला थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि कोई भी बना सकता है. लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो हम लोग लीगली सारा काम कर रहे हैं. और फाइनली हमारे जो 9 बंदे उसमें से अभी तक मुझे 4 लोग का ही पैसा मिला है और बाकी पैसे मिले नहीं है. तो फाइनली उनको शायद डिटेल अभी तक मिली नहीं होगी पूरी. अगर उनको पूरी डिटेल मिल जाती है, और नाम तो मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया है, उनको पता चल गया उनका सिलेक्शन हुआ लेकिन उनका वो नहीं मिला, उन्हें टिकट एंड वीज़ा नहीं मिला हुआ है इसीलिए शायद अभी तक मेरा मनी नहीं आया. तो फाइनली उनको टिकट वीज़ा जब मिल जाएगा तो मेरा मनी भी आ जाएगा. और फाइनली मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको टिकट वीज़ा सब कुछ कोई भी प्रूफ मिलता है वैलिड तो प्लीज़ आप हमें शो करें ताकि हम लोगों को दिखा सकें. आप हमारे व्हाट्सअप पे सेंड कर सकते हो, मेल पे सेंड कर सकते हो आप उसकी फोटो कॉपी लेके, ताकि जैसे कि हर जॉब जैसा दुबई आप देख सकते हैं कि दुबई का हमारा सिलेक्शन हुआ तो हमने टिकट वीज़ा सब कुछ शो किया था आप लोगों को. और फाइनली इसका भी हम चाहते हैं कि मेरे जो 9 बंदे सेलेक्ट हुए हैं एटलीस्ट उनका तो हमें मिल जाए यार. मेरे बंदे हैं तो मेरे को तो अथॉरिटी रहेगा कि मैं इजीली उनसे ले सकता हूँ. तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 9 के 9 आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग वो सेंड कर देना हमें, कभी ना कभी हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे. और फाइनली मैं उनके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, प्लीज़ हमसे टच में रहिए, हम आपके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे. और नेक्स्ट हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि लोगों के फोर्स के वजह से हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि हर दिन अभी नए जॉब का वीडियो निकाले, क्योंकि ये सीन ऐसा है कि जो पेड वाला जॉब है मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था कि सारे पेड वाले जॉब ही हमें एजेंसी के थ्रू मिल रहे हैं. और फाइनली एक नई एजेंसी भी हमसे टाई अप की है, वो ज़्यादातर हम आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मलेशिया एंड सऊदी अरबिया दुबई के लिए वो काम करते हैं, उनका बहुत अच्छा काम चलता है और फास्टली वो ग्रो करते हैं कि जल्दी जल्दी आप लोगों को जॉब दिलाते हैं. सैलरी थोड़ी कम रहती है, पे भी नॉर्मल रहता है
लेकिन उनके ऊपर ये भी फोकस कर रहे कि उनका जॉब पे मतलब पे थोड़ा सा 70, 80, 60, 50, 1 लाख के अंदर ही पे करना पड़ता है। इसलिए मैं थोड़ा सा हैप्पी हूँ कि आप लोगों को वो वीडियो बनाने के लिए मेरे को भी थोड़ा सा हेजिटेट नहीं करना पड़ेगा, फाइनली मैं वो वीडियोस बना सकता। सो फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशन टू माई टीम एंड माई व्यूवर्स कि हमने प्रोफेशनली आप लोगों को दिखाया है। इन फ्यूचर हो सकता है टिकट वीज़ा भी मैं आप लोगों को शो करूँगा, और स्टे आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, हमसे जॉब पाना चाहते हैं दोस्तों, तो फाइनली आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे दोस्तों। और अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप गुस्सा जाहिर करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप इस पर कमेंट कर सकते हो, या कोई मन में डाउट हो तो भी कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर हो सकेगा तो मैं कमेंट के थ्रू आपको वहीं पे दे दूंगा। इफ नॉट पॉसिबल, मैं नहीं दे पाऊंगा कमेंट के थ्रू, तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा। हम ज़्यादातर उसी कमेंट के ऊपर वीडियो बनाते हैं कि मेजॉरिटी में जो सेम कमेंट आते हैं उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि वीडियो बन जाए और सभी लोग देख लें कि हाँ जो भी डाउट था आपका, जो भी क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हमने किया। सो फाइनली गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।